हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो फोटोशॉप के रिलेटेड है। आज मैं आपको फोटोशॉप में गारमेंट के ऊपर फैब्रिक प्रिंट कैसे देना है वो बताऊंगी। और गाइस, इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल भी है, लेकिन वो स्पेशल बताने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने फैशन एंड ग्राफिक्स वर्ल्ड की छोटू सी दुनिया में। मैं आपकी अपनी रुचिका और मेरी टीम आपके लिए इस चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। सो गाइस, आज मैं आपको फोटोशॉप में गारमेंट के ऊपर फैब्रिक प्रिंट देना बताऊंगी, वो भी बहुत ही इजी वे के साथ। और गाइस, वो स्पेशल चीज ये है कि आज हम आपको इस वीडियो में फोटोशॉप की एडिटेबल फाइल भी साथ में दे रहे हैं, लेकिन उस फाइल में लगा है पासवर्ड। अब वो पासवर्ड जानने के लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा, क्योंकि वो पासवर्ड आपको पूरी वीडियो में कभी भी शो हो सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना ना भूले। और एक जरूरी बात गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देन ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें, उससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको क्रूकी के ऊपर वेस्टर्न गाउन ड्रेप करना बताऊंगी। मैंने पहले से ही क्रूकी, उसके हेयर्स और उसके फीचर्स बना के रख लिए हैं। गाइज, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये सब बनाने बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें और वो वीडियो देखें। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको सीक्वेंस फैब्रिक टेक्सचर देना भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ड्रॉ करने के लिए हम पेन टूल यूज़ करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की पी है। सबसे पहले हम अपनी शीट को जूम कर लेंगे। अब अपना हम गारमेंट ड्रेप करेंगे। ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे, यानी कि सेंटर को नेल पे तोड़ देंगे, नहीं तो ये कर्वी आ जाएगी। इसे कर्व देते जाएंगे।
अब मैं आपको सीक्वेंस फैब्रिक का टेक्सचर देना बताऊंगी। उसके लिए गाइस हमें जेपीजी डाउनलोड करनी पड़ेगी सीक्वेंस फैब्रिक की, जो मैंने करके रख ली है। अब हम उसे ओपन करेंगे। आप फाइल पे जाके भी ओपन कर सकते हो या फिर उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ प्रेस करके भी ओपन कर सकते हो। ओपन हो गई। अब हम एडिट पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न, ओके। देन हम अपनी अपर लेयर पे डबल क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे पैटर्न ओवरले मिलेगा, वहां पे क्लिक करें और हमने जो पैटर्न बनाया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से हम इसका स्केल कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, ओके। नाउ राइट क्लिक करेंगे, रास्टराइज लेयर स्टाइल करेंगे। अब हम इसे शेड्स देंगे, डार्कर और लाइटर, जो कि हम डोज टूल और बर्न टूल से देंगे। गाइस उसकी शॉर्टकट की ओ है। अब हम इसका ब्रश साइज बड़ा कर लेंगे। डोज टूल से लाइटर टोन देंगे। तो अब हम इसके बैक स्ट्रो करेंगे और इस लेयर के नीचे वाली लेयर पे करेंगे। आप देख सकते हो जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू लेयर ऑटोमेटिक आ गई। अब हम लोअर पोर्शन को शेड्स देंगे। इसको सबसे पहले हम रास्टराइज कर लेंगे। अब हम गाइस पेन टूल से इसके कर्व्स बनाएंगे। ऑल्ट प्रेस किया, ठीक है।
अब हम इसको थोड़ा सा ब्लैक से लाइटर यानी कि ग्रे टोन देंगे। रिपीट। दो स्टूल से इसको लाइट कर देंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। आप देख सकते हैं अब हमारी कुकी रेडी है। तो
तो गाइस जैसा कि आपने देखा हमने फोटोशॉप में गार्मेंट के ऊपर फैब्रिक प्रिंट कैसे दिया, तो गाइस आप भी इसे ट्राई जरूर करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फोटोशॉप में डिफरेंट डिफरेंट गार्मेंट ड्रेप करने बताऊं और उनमें डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक प्रिंट देने भी बताऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और गाइस ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें अपने नेक्स्ट वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलते रहे और अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आपके लिए हाजिर होते रहे। तो चलिए गाइज अब जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के साथ। तब तक गाइज स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।